नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का केंद्र बनी यूपी की राजधानी लखनऊ, लंबे समय बाद कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां 600 से कम संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जारी किए गए निर्देशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। आपको बता दें कि कल रात तक लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर को छोड़कर बाकी जिलों में दिन का कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है। आज लखनऊ भी कोरोना मुक्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। तो वहीं सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 दिन बाद यूपी में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। सोमवार को 727 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 81 मरीजों की मौत हो गई। सर्वाधिक 24 मौतें कानपुर नगर में हुई, जबकि नए मरीज केवल 38 मिले हैं। सर्वाधिक 53 मरीज लखनऊ में मिले। वहीं प्रदेश सरकार ने बीते रविवार को आदेश जारी किया था कि 600 से अधिक सक्रिय केस वाले जिलों में दिन का कर्फ्यू समाप्त कर दिया जाए। इससे 55 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई। जो 20 जिले बचे थे उसमें भी बारी बारी से 5 दिनों में 16 जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए और दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश ने बीते रविवार को यह आदेश जारी किया था कि 600 से अधिक सक्रिय केस वाले जिलों में दिन का कर्फ्यू समाप्त कर दिया जाए। इससे पहले 55 जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल गई। जो 20 जिले बचे थे उसमें भी बारी बारी से 5 दिनों में 16 जिलों में सक्रिय केस 600 से कम हो गए और दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि टीम 99 की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक। तो अभिषेक से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा अपडेट है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल 2 दिन में पहले 72 जिले हुए, फिर आप 75 जिलों के लिए क्या कहते हैं आदेश जारी हो चुका है कि कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। आप केसों की अगर बात करें तो लगातार केस में भी खासा गिरावट देखने को मिली थी। अगर बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख को करीब 17,000 एक्टिव केस थे, जो कि अब घट के 14,000 हो चुके हैं। जिसमें खास बात यह है कि हॉस्पिटल में एडमिट जो सक्रिय केस हैं वो करीब 6,000 के आसपास हैं। तो इस बात से कहीं प्रयास लगाए जा रहे थे कि 9 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों से हट जाएगा। उसी के क्रम में आज शाम तक ऐसा आदेश आ सकता है कि बचे हुए जो जिले हैं उनसे भी कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाए। बाकी कर्फ्यू में तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि मेट्रो कैसे संचालन होगा, तमाम ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको देखा जाएगा और इस कर्फ्यू के हटने के बाद से जारी किया जाएगा। जी क्योंकि अगर व्यापारी संगठन की बात की जाए अभिषेक, तो वो भी लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे। उसके माध्यम से ये कह रहे थे कि क्योंकि आर्थिक संकट जो सबसे बड़ा सवाल है कि उन पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो वो भी लगातार ये ज्ञापन सौंप रहे थे और इसके माध्यम से कह रहे थे कि कोरोना कर्फ्यू को अब हटा दिया जाए। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पे? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, पिछले कई दिनों से व्यापारी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम व्यापारियों में इसका रोष था, लेकिन इस खबर से एक खुशी की लहर दौड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ लखनऊ में ही सालाना अगर देखें तो 12,06,00,000 रुपए तक के व्यवसाय होता है और करीब 1,25,000 व्यवसायी हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की खबर है कि एक लंबे समय से सबकी रोजी रोटी बंद थी, जिसको देखते हुए इस आदेश के बाद से उन्हें स्थिति की लहर देखने को मिल रही है। अभिषेक, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि जिस तरीके से सीएम ने टीम 9 का गठन किया और जो टी फॉर्मूला था उसका क्या असर देखने को मिला? क्या लगता है ये एक बड़ा है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए प्रदेश में तो लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस थे और स्थिति भी सबसे ज्यादा लखनऊ की ही खराब थी। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि टीम 9 की बैठक और हर कार्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। सारे जिलों के डीएमओ को, कप्तानों को,
सीएमओ, तमाम ऐसे मेडिकल अफसर हैं जिनसे खुद वर्चुअल मीटिंग ले लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस सारे मामले पर खुद नजर बनाए हुए थे, जिसकी ये वजह है कि आज इतनी कम समय में कोरोना कर्फ्यू प्रदेश से हट पाया। जी, एक बड़ी संख्या है कि लगातार 777 हुए, फिर 725 और अब 600 से कम देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की भी खबर है। और जो लोग इससे परेशान थे, क्योंकि लॉकडाउन की बात की जाए तो लंबे समय से लॉकडाउन जारी था, जिसके चलते आर्थिक संकट भी लोगों पर एक बड़ा चीज था, जिसके चलते लगातार व्यापारी संगठन भी मांग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो लोग थे मिडिल क्लास लोग की बात करें तो उन पर भी बड़ा दबाव पड़ रहा था इस चीज का। जी बिल्कुल, ये तो एक देखने वाली बात रही ही कि तमाम लोगों में ऐसी दिक्कतें आई, खास करके जो पटरी दुकानदार थे और तमाम ऐसे जो छोटे व्यवसायी थे जिनकी रोजी रोटी इसी के माध्यम से चल रही थी, उन पे एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन उसके लिए भी सरकार तमाम नीतियां बना रही है। हाल फिलहाल में योगी सरकार 14 जून को टीकाकरण का अभियान भी बढ़ाने वाली है, जिसके लिए केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद से ये टीकाकरण कराया जाएगा कि लोगों से जो तुरंत मिलते हैं, जैसे ऑटो चालक, रिक्शा चालक, पटरी दुकानदार, इनमें वैक्सीनेशन के लिए भी एक अभियान महाअभियान 14 जून से चलाने का आदेश जारी हुआ। जी, तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, किस तरीके से जो वैक्सीनेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर आप वैक्सीन ही निभा रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून से लेकर 30 जून तक 1 करोड़ वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे हैं। वहीं महिलाओं में जागरूकता के लिए पिंक बूथ का संचालन शुरू किया है, जैसे प्रति बूथ 200 महिलाओं को प्रति बूथ वैक्सीनेशन दिया जाएगा। साथ ही 14 जून से पटरी दुकानदार और तमाम ऐसे जो छोटे व्यवसायी हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए भी अभियान शुरू किया जाना है, जो कि केंद्र सरकार के आदेश के आने के बाद। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार काफी होश है, सारी चीजें हैं जो आम जनता में वो काफी हद तक सुधरता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो जिम की बात की जाए या फिर सिनेमा हॉल, ये सब चीजें नहीं खुलेंगी, तो क्या लगता है जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया होगी तो क्या चीजों में, किन चीजों में छूट मिल सकती है और किन चीजों में वैसे ही लागू रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य बात ये है कि कोरोना संक्रमण अभी पूर्ण तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरी लहर की भी शुरुआत है। इसको लेकर कहीं भी ऐसे जिम, ब्यूटी पार्लर, मॉल आदि को अभी संचालन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि संक्रमण अभी तो पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ इतनी रियायत दी गई है कि लोगों की, आम जनता की रोजी रोटी और सब चीजें सुचारू रूप से चल सके। इसमें अभी किसी तरह का ऐसा आदेश आने के आसार नहीं लग रहे हैं कि जिसमें मॉल और ये सब आदि खोले जाएंगे। जी, क्या लगता है किन चीजों पर अभी पाबंदियां पूरी तरीके से जारी रहेगी, और छूट की बात की जाए, क्योंकि बड़ा सवाल छूट का है, लगातार लॉकडाउन था, तो क्या लगता है कि किन चीजों पर छूट मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जो बुनियादी चीजें हैं जैसे मेट्रो सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और इस तरह की तमाम ऐसी जो जरूरत चीजें हैं उन सब पे जरूर छूट दी जाएगी, क्योंकि आम जनता का आवागमन भी न बाधे, तो हर तरह की ऐसी जरूरी आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि पुरुष सरकार कहती चली आई है कि आवश्यक वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसी क्रम में जो आवश्यक वस्तुओं में जो भी चीजें आती हैं उनमें छूट ऐसी रहेगी। वैसे एक अभिषेक और सवाल कि लगातार बात की जाए, बड़े मंगल चल रहा है, तो इसमें धारा 144 लागू रहने की बात की गई है 6 जून तक, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल, देखिए धारा 144 लागू रहेगी 6 जून तक, बड़ा मंगल चल रहा है, भंडारा और तमाम ऐसी जो भी कोविड के नियम है, मास्क लगा के, लाइन से उचित दूरी बनाकर, ऐसे में ही आप कोई कार्य कर सकते हैं, ये धारा 144 करें। लेकिन कहीं भी 4 से 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ करना की इजाजत नहीं देगी सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो छूट दी जा रही है वो कौन सी, और लगातार साप्ताहिक बंदी भी जारी रहेगी। आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का केंद्र बने यूपी की राजधानी लखनऊ लंबे समय बाद कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां 600 से कम संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि जारी किए गए निर्देशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी जो है वो लागू रहेगी। आपको बता दें कि कल रात लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर को छोड़कर बाकी जिलों में दिन का कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया, और आज लखनऊ भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। वहीं आपको बता दें सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 दिन बाद यूपी में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है, और सोमवार को 727 नए संक्रमित केसेस सामने आए हैं। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। कुशीनगर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को हिंदू बताकर एक मुस्लिम युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। वहीं युवक की जाति मालूम होने पर युवती ने युवक से किनारा कर लिया, और इसके बाद युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, और युवती का अश्लील वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और साथ ही युवती से शादी करने का दबाव बनाने लगा, जिससे बचने के लिए युवती दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। करते अगली खबर की ओर, कुशीनगर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हनुमानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दो भाइयों के बीच हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के बेटे को ही थाने में ले जाकर उसकी पिटाई कर दी। घर पहुंचकर पीड़ित युवक ने ग्रामीणों को आपबीती बताई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया, जिसके बाद मृतक का शव लेकर थाने जा रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने पथराव कर दिया और ग्रामीणों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई। गोरखपुर में एक प्रेमी ने विवाहित प्रेमिका की हत्या कर दी। मामला गोला थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक का उसकी प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे गुस्साए प्रेमी ने विवाहित प्रेमिका की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को एक मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया है। गोला क्षेत्र के एक गांव में एक शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी ने चाकू से गोद कर हत्या किया है। जांच के उपरांत ये पता चला कि महिला शादीशुदा है और उनके पति जो है लेबर के काम करते हैं और बाहर काम के सिलसिले में चले जाते हैं। इसी दौरान उसी गांव के किसी अन्य व्यक्ति से उनके संबंध हो जा रहा है। बाद में महिला उन संबंधों से अलग हटना चाहे तो उसी गुस्से में कुन्नस में उन्होंने जाके हत्या की। हत्यारोपी गिरफ्तार हो गया। आला कतल आगरा नगर निगम भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है, जहां पीए की वायरल ऑडियो में नगरायुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वायरल ऑडियो में पीए ने रिश्वत लेने की बात स्वीकार की है, जिसमें उसने अधिकारियों की मांगे पूरी करने के लिए डीलिंग की बात की है, जिसके बाद अब ये बड़ा सवाल है कि क्या नगर आयुक्त भी भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। वही ऑडियो वायरल होने से नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर में आज एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया और इस निकाह का गवाह थाने का स्टाफ बना और मौलवी की मौजूदगी में दोनों का निकाह हुआ। दरअसल दो साल पहले दोनों का फेसबुक पर संपर्क हुआ था, लेकिन युवक ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे आहत युवती ने थाने में जाकर युवक की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को महिला थाने बुलाया और काफी समझाने के बाद युवक शादी के लिए राजी हो गया, जिसके बाद थाने में ही दोनों का निकाह कराया गया। ये ठीक है, जैसा भी हुआ है, बाकी अब ये यार हम साथ में रहेंगे, हमारी फैमिली वालों का कोई मतलब नहीं हमसे जी, और ना ही वो हमसे रखना चाहते हैं। ठीक है, जो हमने करा है वो हम अपने साथ में रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा है, हीना बेगम नाम की कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा सादा लड़का गुलाबी का रहने वाला है, जिसने ये कहा था, लड़की ने, लड़की कानपुर की रहने वाली, लड़का गुलाबी का रहने वाला है। तो इसमें हीना ने ये कहा था कि साहब मेरे साथ कानपुर में रहकर और दिल्ली में रहकर प्रेम प्रसंग करा, उसके बाद में अब मेरे से शादी नहीं करना चाह रहा, मगर दोनों का सुलह समझौता होने के बाद में अब दोनों के निकाह हो चुका है, इसमें दोनों को कोई ऐतराज नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लखनऊ के गोसाईगंज स्थित मीसा गांव में कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया और इस दौरान गांव की महिलाओं से लेकर पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। टीकाकरण के इस कार्यक्रम में एसडीएम शुभी काकन भी पहुंची और इस मौके पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, सीएचसी अधीक्षक हेमंत कुमार, खंड विकास अधिकारी संजीव गुप्ता भी मौजूद रहे और इस दौरान सांसद कौशल किशोर ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही एसडीएम ने भी सभी ग्रामीणों से टीका लगवाने का अनुरोध किया है। तो लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे, जहां पर कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया गया। आपको बता दें इस दौरान गांव की महिलाओं से लेकर पुरुषों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टीकाकरण के इस कार्यक्रम में एसडीएम शुभी काकन भी पहुंची। इस मौके पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर,
सीएसटी अधीक्षक हेमंत कुमार, खंड विकास अधिकारी संजीव गुप्ता भी मौजूद रहे और सांसद कौशल किशोर ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है और साथ ही साथ एसडीएम ने सभी ग्रामीणों से टीका लगवाने का अनुरोध किया है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहा जहां पर गांव में कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया गया और इस कैंप में महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपको बता दें सांसद कौशल किशोर ने सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है और साथ ही साथ एसडीएम ने भी सभी ग्रामीणों से टीका लगवाने का अनुरोध किया है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे जहां पर गोसाईगंज स्थित मीसा गांव में कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया गया और इस दौरान गांव की महिलाओं से लेकर पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। वहीं टीकाकरण के इस कार्यक्रम में एसडीएम शुभी काकन भी पहुंची और इस मौके पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, सीएचसी अधीक्षक हेमंत कुमार, खंड विकास अधिकारी संजीव गुप्ता भी मौजूद रहे और साथ ही साथ सांसद कौशल किशोर ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और एसडीएम ने भी सभी ग्रामीणों से टीका लगवाने का अनुरोध किया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।